अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1B। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 1D1 सेवन्थ एडिशन जूनियर एडिशन आई एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आपका दिल करे तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो कुकिंग चैनल है। तो स्टार्ट करते हैं जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर्स, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM, हमने LCM को फाइंड आउट करना है। और जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास गिवन है जी 24 एंड 30, इसका हमने LCM फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने LCM कैसे फाइंड आउट करना है। पिछली वीडियो में हमने HCF किया था, तो प्राइम फैक्टर्स तो बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। 24 है तो ये 2 की टेबल से इजीली हो जाएगा, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 सिक्स ज़ा 12, 2 थ्री ज़ा 6, देन 3 वन ज़ा 3। ठीक है जी, 24 के हमारे पास सारे प्राइम फैक्टर्स निकल आए। देन 30 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 फिफ्टीन ज़ा 30, 3 फाइव ज़ा 15 एंड 5 वन ज़ा 5। अब इनके सामने हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं, तो सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और 30 के हमारे पास फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब जो हमारे पास LCM होता है, जो HCF होता है उसमें तो होता है सिर्फ कॉमन फैक्टर्स, लेकिन जो LCM है वो हमारे पास इक्वल होता है जी कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर, U से अन, C से कॉमन, F से फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर इंटू कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। तो मैं फिर यहाँ पे लिख लेती हूँ कि अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स इसमें हमारे पास क्या आए हैं। एक तो इन दोनों में 2 आ रहा है, तो ये इसको हम लूप बना लेते हैं यहाँ पे, और एक हमारे पास 3 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स की जगह हम लिख देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि मैं LCM किसका फाइंड आउट कर रही हूँ। तो LCM ऑफ 24 एंड 30 इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर्स क्या हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। तो अनकॉमन फैक्टर्स में क्या आ रहा है हमारे पास, ये 2, 2 और ये 5। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 5 ज़ा हमारे पास क्या होता है, ये 120 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 120। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, बस इतनी सी बात थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया इसका ए पार्ट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है इसका बी पार्ट। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट है जी मेरे पास इसका, वो है जी 42 एंड 462, पेज नंबर 21 है ये बुक का, D1 का। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 42, ये 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21 आ गया, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 462 को फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये आगे किससे होगा हमारे पास, इन सबको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या ये 3 के टेबल से होगा। तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, यानी कि 3 के टेबल से हो सकता है ये। तो 3 के टेबल से हम इसे करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी हो गए, 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21 आ गया हमारे पास, 77 है, तो 77 7 के टेबल से होगा, 7 11 ज़ा 77, 11 1 ज़ा 11। ठीक है जी, तो इनके प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 42 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और 462 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। तो मैंने आपको बताया था कि LCM क्या होता है हमारे पास, LCM इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कॉमन क्या हमारे पास। तो कॉमन इसमें ये 2 आ रहा है, ये वाला 3 आ रहा है, ये 7 आ रहा है। तो फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि LCM of 42 and 462 is equals to common factors, पहले लिख लेते हैं वो क्या हमारे पास, 2 multiply by ये वाला 3 multiply by ये 7, और multiply by uncommon factors में सिर्फ 11 आ रहा है।
ठीक है जी, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2, 2, 3, 6, 6, 7, 42, 42 को हम 11 से करते हैं, तो 11 से किस तरह करते हैं, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इस तरह लिख लें और फिर इनको ऐड करके दरमियान में लिखते हैं, तो 4 + 2, 6, यानी कि 462 हमारे पास इसका आंसर आ गया। 11 की जो ट्रिक है वो भी मैंने अपलोड की हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं। ये हो गया हमारे पास बी पार्ट, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट है जी 12, 18 और 81, इसका हमने फाइंड आउट करना है जी एलसीएम। तो इनके साइड पे हम जो है इनके प्राइम फैक्टर्स जो है उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 12 का क्या आएगा हमारे पास, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 18 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। 81 के भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 81 आ रहा है, यानी कि ये 2 के टेबल से हो नहीं सकता, 3 के टेबल से देखते हैं। तो 3 2 6 आ गया हमारे पास, यहाँ पे कैरी 21, 3 7 21 आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर ये क्या होगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास इसके फैक्टर्स आगे के, अब हम इनको लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से बीच में से कॉमन आते हैं। अच्छा, जो एच सी एफ होता है ना उसमें कॉमन, अगर हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है तो जो तीनों में कॉमन होगा वही एच सी एफ में आता है, लेकिन एल सी एम में ऐसे नहीं होता। एल सी एम में अगर कोई नंबर दो कोई फैक्टर्स जो है ना किसी दो में भी अगर कॉमन है तो वो कॉमन फैक्टर्स में आते हैं। मैं आपको लिख के बताती हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। तो 12 के क्या फैक्टर्स आए हैं मेरे पास, 2 × 2 × 3, और मेरे पास 18 के फैक्टर्स जो हैं वो मेरे पास आए हैं 2 × 3 × 3, और 81 जो है इसके फैक्टर्स मेरे पास आए हैं 3 × 3 × 3 × 3। अब इसमें से कॉमन क्या है हमारे पास, वो हम लिख लेते हैं। एक तो ये देखें, ये 3 जो है ये तो तीनों में कॉमन आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर्स में आ गया हमारे पास। ये देखें, ये 2, अगर किसी दो में भी कोई चीज़ कॉमन आ रही है ना तो एल सी एम में वो कॉमन फैक्टर्स में आती है, लेकिन एच सी एफ में नहीं आएगी। मैं अभी सिर्फ एल सी एम की बात कर रही हूँ। अगर इन दोनों के फैक्टर्स में अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो कॉमन में होगी, लेकिन सिर्फ एल सी एम में, क्योंकि इसका नाम ही आप देखें कि हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इस वजह से एल सी एम में अगर किसी दो में भी कोई चीज़ कॉमन है तो वो आ जाती है। तो ये आ गया, बाकी आप देखें कोई और 2 कॉमन नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं आ रहा है। इस वजह से मैं यहाँ पे फिर लिख देती हूँ कि एक तो एल सी एम जो है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एल सी एम हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स इंटू अनकॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एल सी एम ऑफ 12, 18 और 81 इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 × 3 × 3। अब अनकॉमन को लिख लेते हैं, तो अनकॉमन में हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला 2, ये वाले 2, 3, तो 3 × 3 × 3, सही है जी। तो ये फैक्टर्स आ गए, अब हम क्या कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मेरे पास वीडियो इतना टाइम नहीं है तो मैं इसको कैलकुलेटर से कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, इस वजह से आपने जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 × 3 × 3 × 2 है यहाँ पे, 2 × 3 × 3 × 3। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 324। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसका आंसर 324। वैसे भी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, इनको आपने साइड पे बस मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख लेती हूँ फिर 324। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट, और वो है जी हमारे पास इसका डी पार्ट, और वो है जी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। डी पार्ट क्या है जी मेरे पास के 63, 80 और 102। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 63 है मेरे पास, ये 2 के टेबल से तो होगा नहीं, 3 के टेबल से हो जाएगा, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। 80 के फैक्टर्स जो है ये भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 40 80, 2 20 40, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास, अब हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं 102 के। तो 102, ये 2 के टेबल से हो जाएगा हमारे पास, 2 5 10, 2 1
हमारे पास हो जाएगा 251 आ गया। 5 + 1 क्या होता है 6, यानी कि 3 के टेबल से हो जाएगा। तो 3 1 3 2 कैरी हो गए, 21, 3 7 21, 17 प्राइम नंबर है, इस वजह से ये सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 17 1 17। अब हम इनके फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 63 के जो फैक्टर्स हैं वो मेरे पास क्या आए हैं, 3 × 3 × 7, जो 80 है इसके प्राइम फैक्टर्स मेरे पास आए हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5, और जो मेरे पास है 102 इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो मेरे पास आए हैं 2 × 3 × 17। ठीक है जी, ये आगे अब जो है हम देख लेते हैं कि कौन से हमारे पास आए हैं। तो अगर आप देखें तो 2 इन दोनों में कॉमन है और 3 जो है वो इन दोनों में कॉमन है, इसके अलावा इनमें कोई और, इन तीनों में तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो इन तीनों में कॉमन हो, लेकिन ये हमारे पास लीस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसमें अगर किसी दो में भी अगर कोई चीज़ हो तो उसे हम कॉमन में ही लेते हैं। तो इस वजह से मैं अब यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हमारे पास एलसीएम क्या होता है। एलसीएम हमारे पास होता है जी कॉमन फैक्टर्स इंटू अनकॉमन फैक्टर्स। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि एलसीएम ऑफ 63, 80 and 102 हमारे पास क्या आ रहा है जी। एक तो सबसे पहले हम कॉमन लिख लेते हैं, तो कॉमन में क्या आ रहा है 2 × 3, और बाकी ये जो सारे हैं इन सबको हम लिख देते हैं। तो ये मेरे पास है जी, यहाँ पे इधर से स्टार्ट करते हैं, 3 × 7 × 2, फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यहाँ से आगे मैंने लिख दिया 2 × 2 × 2 × 5 × 17। इन सब को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप जो है इसको कर लेना, बेशक रफ वर्क में कर लेना, मैं अभी जल्दी से इसे कैलकुलेटर पे कर देती हूँ। 2 × मेरे पास क्या है, 2 × 3 × 2 × 7 × 2 × 2 × 2 × 5 × 17। तो मेरे पास जो है इसका जो आंसर है वो मेरे पास आ रहा है 8568 0। जब इन सब को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ये कि 8568 0। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। इजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट जो है इसका पता होना चाहिए। तो ये थी जी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मेरी कुकिंग की वीडियोस है और क्राफ्ट की वीडियो है। तो अगर आपका दिल करे तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।